output of given program again. In that case, first of all, we are declaring two variables which is types of integer, variable x or variable y. Means two variables create karai, something x and variable y. इस केस में करंटली मैं वेरिएबल्स के लिए कोई एड्रेस पॉइंट नहीं कर रहा, सिंपली कंसीडर करेंगे लोकेशन एक्स लोकेशन वाई. इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 10, इनिशियल वैल्यू ऑफ वाई इज 20. नेक्स्ट वन, टेस्टिंग इफ कंडीशंस. इफ कंडीशंस के रिस्पेक्ट में सबसे पहले जहां भी एक्स यूज किया, जहां भी वेरिएबल्स अप्लाई किए, वेरिएबल्स के प्लेसेस पर वेरिएबल्स का वैल्यू रिप्लेस कराएंगे. इस एक्स के प्लेस पर रिप्लेस करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स लाइक दैट. नेक्स्ट वन, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें. ब्रैकेट के अकॉर्डिंग नॉट ऑपरेटर अप्लाई किया टू द 10. 10 मींस ट्रू, यानी ये नॉट ऑपरेटर ट्रू को कन्वर्ट किस में करेगा, फॉल्स में. फॉल्स मींस जीरो. और इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगा, जीरो. देन अगेन अप्लाई करें यूनरी नॉट. नॉट जब फॉल्स के लिए अप्लाई करें तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अगेन ट्रू में. और ट्रू का मीनिंग क्या है इस केस में, ट्रू मींस वन. देन अब चेक करेंगे लॉजिकल कंडीशन. फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन कैसा है, ट्रू. सेकंड भी कैसा है, ऑल्सो ट्रू, बिकॉज बोथ आर नॉन जीरो. अगर दोनों कंडीशन नॉन जीरो मीन्स कंडीशन ओवरऑल रिजल्ट इज ट्रू. ट्रू के अकॉर्डिंग चांस किसको प्रोवाइड होगा सेकंड केस में, आफ्टर टेस्टिंग इफ कंडीशन. थर्ड केस में चांस किसको प्रोवाइड हो रहा है, प्रिंट एफ एक्स इक्वल्स टू परसेंट डी. एक्स के प्लेस पर रिप्लेस कराएंगे एक्स का करेंट वैल्यू विच इज 10. इसलिए परसेंट डी के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा, ऑल्सो 10. देन इससे डिस्प्ले क्या हो रहा है, फाइनली डिस्प्लेड मैसेज और आउटपुट एज एक्स इक्वल्स टू 10 लाइक दैट. फाइनली 10 प्रिंट होने के बाद कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ, आउटसाइड एल्स बॉडी लाइक दैट. दिस इज द